नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 27 सितंबर 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्त, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के हर एक बड़ी अपडेट को। कब से आवेदन शुरू होगा, कब लास्ट डेट होगी, बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट की हर एक अपडेट को इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सेफ जोन को लेकर बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप में क्या अलग अलग सेफ जोन होने वाली है। बाकी दोस्तों, बीएड 2022 काउंसलिंग की तारीख घोषित हो चुकी है। अगर आपके घर में आपके भाई बहन दोस्त यार कोई बीएड में काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो उनको आप ये बात बता सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं। नए शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है, पूरी अपडेट को देखेंगे। 4512 एडेड कॉलेजों में भर्ती होंगे कंप्यूटर शिक्षक, हर एक अपडेट हम इस वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों, जो हमारी सी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो वेबसाइट भी हम आपके सामने रखने वाले हैं, देख सकते हैं। ये सी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो इसमें कब से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, क्या क्या अपडेट आएगी सी टेट को लेकर। आपके मन में एक और सवाल था काफी बच्चों के मन में कि क्या निगेटिव मार्किंग इस बार पेपर में होगी कि आने वाले समय में इसको देखा जा सकता है। देखिए गाइस, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, होने के लिए देखिए कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। एक बात और जरा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा भी सुपर टेट का पेपर है वो ऑफलाइन होता है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये भी ऑनलाइन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आजकल आप देखते हैं पेपर में धांधली कितनी ज्यादा हो रही है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 परीक्षा फल सांख्यिकी। जी हाँ दोस्तों, जो लास्ट टाइम 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया था, काफी बच्चे इसको लेकर परेशान रहते हैं कि अगर बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अगर मामला फाइनल होता है तो क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्त, आपको बता दें यूपी में भी जो डीएलएड के बच्चे हैं उनकी जो मांग है ना कि डीएलएड छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वरीयता दी जाए, ठीक है। और जो मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसमें सीधी सी ये बात रखी गई है कि बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए। तो जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद कोरोना केसेस की अपडेट जरा देखते हैं। 24 घंटे में हमारे देश में 1546 कोरोना के नए मामले भी सामने आए। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की हर एक अपडेट आप तक होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा सी टेट का पेपर है वो समय से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये कोरोना केसेस पर भी डिपेंड करेगा, और हमारा यूपी टेट का भी पेपर। देखिएगा इस यूपी टेट का पेपर कैसे होता है जरा इस बात को भी समझ लीजिए। यूपी टेट का पेपर ऐसा नहीं कि पेन पे सीधे इसकी डेट शीट घोषित कर देगी, लेकिन ऐसा देखिए होता क्या है कि पहले पीएनपी एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजेगी कि इस तारीख में यूपी टेट का पेपर कराना है। अगर शासन ने अप्रूवल दिया, ठीक है, परमिशन दी, तभी यूपी टेट का पेपर हो पाता है। नहीं तो हर साल आप देखते होंगे पीएनपी कम से कम 2 से लेकर 3 प्रस्ताव भेजती है शासन को, उसके बाद जाकर डेट फाइनल हो पाती है। तो गाइस, अभी तक कोई प्रस्ताव भेजा ही नहीं गया, तो इसीलिए समय लग रहा है। उम्मीद है कि दोस्तों अक्टूबर लास्ट तक इसके लिए ऑफिशियल अपडेट निकल आ जाएगी। और देखिए अक्टूबर में उम्मीद है कि लास्ट तक आवेदन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यूपी टेट में भी 10 लाख से ज्यादा बच्चे लगभग आवेदन करते हैं। और वही बात करें सी टेट, तो वहां पर भी दोस्त ये संख्या 10 लाख से ज्यादा हो जाती है। जब लाखों बच्चे आवेदन करते हैं तो पहले तो भैया कम से कम 15-20 दिन का समय देना पड़ता है ताकि वेबसाइट बढ़िया से चलती रहे। नहीं तो सोचिए 10 लाख से ज्यादा बच्चे आवेदन करेंगे और 10 दिन का ही समय मिलता है तो क्या होगा, 10 लाख बच्चे 10 दिन, मतलब एक दिन में लगभग 1 लाख से ज्यादा बच्चे आवेदन करेंगे तो वेबसाइट डाउन हो जाती है, ठीक है, सर्वर क्रैश हो जाता है। इस वजह से बच्चे भी परेशान होते हैं, जो दिन में फॉर्म भरना रहता है उसको रात को 2 बजे 12 बजे भरा जाता है, ये सब भी दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अगर भैया बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला फाइनल होता है तो एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि साफ साफ देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती जब रिजल्ट आया तो यहाँ पर डीएलएड छात्रों की संख्या, मात्र पास होने वाले छात्रों की संख्या 38,610 थी, लेकिन बीएड छात्रों की संख्या यहाँ पर 97,000 से ज्यादा थी। तो आप ये बड़ा बदलाव यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सी टेट की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। जरा बीएड काउंसलिंग के अपडेट को देख लीजिए, क्योंकि आप में से काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में कोई बीएड करने वाले होंगे। एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड प्रवेश के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल 30 सितंबर को से जारी किया है। काउंसलिंग में शामिल होने वाले 6.5 लाख अभ्यर्थियों को ₹650 काउंसलिंग शुल्क व ₹5,000 अग्रिम कॉलेज शुल्क के रूप में ऑनलाइन देने होंगे। 9 अक्टूबर से सीट बुक कर सकेंगे छात्र। 30 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक होने वाली पहली काउंसलिंग के लिए 9 अक्टूबर से छात्र सीट बुक कर सकेंगे। काउंसलिंग में अगर अभ्यर्थी को सीट आवंटन नहीं होता तो अग्रिम फीस ₹5,000 खाते में वापस भेज दी जाएगी। वही अगर सीट आवंटन के बाद अभ्यर्थी उस कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है
तो अग्रिम फीस 5,000 रुपये वापस नहीं की जाएगी। तो जरा ध्यान से कॉलेज आप फाइनल करेंगे, अगर आप लास्ट में कॉलेज फाइनल करने के बाद अगर आपका मन हो गया कि भैया अब हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है, तो आपका 5,000 रुपये डूब जाएगा। देखिए प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक रखे जाएंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। शिक्षकों को दो तरीके से रखा जा सकता है, एक तो पूर्व से स्वीकृत विषय जो अप्रासंगिक हो गए हैं उनके शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण देते हुए कंप्यूटर शिक्षण की जिम्मेदारी दे दी जाए, या फिर दूसरा प्रस्ताव संविदा पर कंप्यूटर शिक्षकों को रखने का है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। इस प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार वित्त विभाग की राय ले रही है। मंजूरी मिलने के बाद कंप्यूटर शिक्षक रखे जाएंगे। इससे पहले कभी इन स्कूलों में नियमित कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई थी। ठीक है, जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। नए शिक्षक भर्ती के अपडेट जरा देखते हैं। प्रयागराज से अपडेट है, राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती का नया विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सोमवार को ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा एलटी ग्रेड भर्ती 2018 की प्रतीक्षा सूची जारी करने और जो छात्राएं ओवर एज हो चुकी हैं उन्हें आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने की भी मांग रखी गई है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व शीतला प्रसाद ओझा ने भी किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी अपडेट। तो जल्दी दोस्तों एक बात आपको बता दें, नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ सकता है। आपने देख लिया होगा कि मध्य प्रदेश में विज्ञापन निकाला जा रहा है, उसके बाद बिहार में विज्ञापन निकाला जा रहा है, तो जल्दी दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी विज्ञापन देखने को हमें मिलेगा। लेकिन परीक्षा की तैयारी जब आपकी 100% होगी तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वैकेंसी आपको पता है बार बार नहीं आती, 2018 में लास्ट वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो अगर आप वैकेंसी में नहीं बैठ पाते मतलब आपका या तो टेट क्लियर नहीं है या तो आपका डीएलएड या बीएड में बैक लगी है अभी, अगर आप नहीं बैठ पाते तो आपका बहुत ही बड़ा नुकसान होगा समय का, क्योंकि वैकेंसी हर साल नहीं आती। तो अगर आप वैकेंसी से वंचित रह गए तो फिर आपको एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो गाइस हम आपसे यही कहेंगे कि आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, ताकि आप बढ़िया स्कोर भी करें। जो भी और अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। देख सकते हैं कि लखनऊ से अपडेट है, डीजीपी डॉक्टर डीएस चौहान ने त्योहारों को देखते हुए हर स्तर के पुलिस कर्मियों के अवकाश पर 31 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी है। सोमवार को उन्होंने इस संबंध में आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार रात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल जोन रेंज और जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को त्यौहार के दौरान सुदृढ़ कानून व्यवस्था के संबंध में सख्त दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। ठीक है, तो पुलिस विभाग में अगर आपकी नौकरी लगती है तो जरा इसको भी ध्यान रखेंगे कि भैया आपका अवकाश रद्द हो जाता है। ठीक है, बाकी टीचर बन जाएंगे, छुट्टी मिलेगी, आराम से त्यौहार को सेलिब्रेट कर सकेंगे। बाकी दोस्तों कुछ और अपडेट्स आती है तो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल देखिए हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है, अधिक जानकारी के लिए dlredresult.com वेबसाइट आपको पता है। देखिए मेन क्या है ना कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला पहले सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो जाए। ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। देखिए अभी क्या है कि जो सरकार भी है ना वो अभी बीटीसी का भी पक्ष रख रही है। देखिए फाइनल अंतिम डिसीजन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ही लेना है, जज साहब को ही लेना है। जो भी जज साहब बड़ा फैसला सुनाएंगे वो पूरे देश में मान्य होगा। एक ही याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश में मान्य होता है। तो इंतजार करते हैं ऑफिशियल अपडेट का, जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाकी कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप अधिक जानकारी प्राप्त करते रहिए। आवेदन अक्टूबर लास्ट तक उम्मीद है शुरू हो जाएगा, पेपर दिसंबर में होगा। सुपर टेट का पेपर उम्मीद है कि टेट के बाद ही होगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।